स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लियर टैक्स के बारे में, क्लियर टैक्स जिसके थ्रू आप आईटीआर, जीएसटी की रिटर्न, एडवांस इनकम टैक्स, ये सभी चीजें आप टीडीएस की रिटर्न तक क्लियर टैक्स के थ्रू फाइल कर सकते हैं। क्लियर टैक्स मात्र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब देखिए क्लियर टैक्स में आप अगर आईटीआर फाइल देखते हैं कैसे की जा रही है, जीएसटी की रिटर्न देखते हैं कैसे फाइल की जा रही है, कैसे टीडीएस की फाइल की जा रही है क्लियर टैक्स की हेल्प से, लेकिन उसमें एक चीज है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना ही नहीं आता, वो जो फ्रंट है उसका वो आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हो कि इसमें लॉगिन कैसे करें, इसमें मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आज मैं आपको क्लियर टैक्स को लॉगिन करना बताऊंगा, जिसकी हेल्प से अगर आपको एक बार लॉगिन करना आ जाएगा तो आप फर्दर आगे उसमें आईटीआर, जीएसटी की रिटर्न, टीडीएस वगैरह ये सब इजीली फाइल कर पाओगे। सबसे पहले आप यहां पर लिखें google.com, ठीक है जी, गूगल लिखकर कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए, google.com ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन लिखा, फिर इसमें इनकम टैक्स कैसे ऑपरेट होगा, टीडीएस कैसे ऑपरेट होगा, जीएसटी कैसे ऑपरेट होगा, वो सब आपको मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन लिख लीजिए और एंटर कर दीजिए। उसके बाद पहला ऑप्शन आ रहा है बेस्ट जीएसटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहां पर लिखा है cleartax.in, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, यहां पर क्लिक कीजिए, और यहां पर अगर आपकी जीमेल आईडी ओपन है तो ये ऑटोमेटिक यहां पर आपको इस आईडी से लॉगिन करने के लिए कहेगा। एक स्टेप तो ये है लॉगिन करने का। दूसरा हम बात करते हैं इसमें क्लियर टैक्स, क्लियर टैक्स इसमें आ जाएगा क्लियर टैक्स क्लाउड के नाम से, और एंटर कीजिए। अब इसमें सबसे ऊपर फिर वही cleartax.in, और अब ये दिखा रहा है आईटी रिटर्न के बारे में, तो यहां पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पर ये लॉगिन का ऑप्शन है, आप इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से वही जो भी आपकी मेल आईडी ओपन हुई पड़ी है उसी मेल आईडी से आपको ये लॉगिन करने को कहेगा। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, अब इसमें आता है क्लियर टैक्स टीडीएस, क्लियर टैक्स टीडीएस लिखिए, एंटर कीजिए, तो फिर यहां से आ जाएगा फाइल टीडीएस रिटर्न, ऊपर लिखा है क्लियर टैक्स लॉगिन, इस पर क्लिक कीजिए और यहां लॉगिन कीजिए। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में ही आपको लॉगिन करने के लिए आपकी मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देगा, इस पर कंटिन्यू क्लिक कीजिए और आपका लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें ये जीएसटी वाला है, ये इनकम टैक्स वाला है, ये टीडीएस वाला है, लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आता कैसे है? आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो लॉगिन करने से पहले अपने अकाउंट को क्रिएट करना होता है, और वो जो क्रिएट करना है वो आप यहां से कर सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर के। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर यहां क्लिक करेंगे तो यहां पर आप आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप इसको कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप अपनी जीमेल आईडी के थ्रू इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहां लिखा है ईमेल आईडी डालिए क्रिएट योर अकाउंट के लिए, यहां पर आप देखिए ईमेल आईडी डालिए जो भी आपकी ईमेल आईडी है, और उसका जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, देखिए जो आपकी मेल आईडी है, जरूरी नहीं कि आप मेल आईडी का पासवर्ड यहां डालें, आप अपनी मेल आईडी लिखिए, और यहां पर 123 या abc@123 कुछ भी आप यहां पर पासवर्ड बना सकते हैं। इस पासवर्ड का इस मेल आईडी से कोई लेना देना नहीं है, ये मेल आईडी आपकी जरूर है, लेकिन यहां पर आप पासवर्ड कोई भी कुछ भी बना सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है, और सेम जीमेल वाला पासवर्ड भी रख सकते हो। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिए और यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, आपका अकाउंट बन जाएगा। मैं तो इसलिए नहीं बना रहा हूं, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। जब आपका एक बार बन जाएगा तो आप अपनी जीमेल को लॉगिन कीजिए इस तरह से, जैसे मैंने अपनी जीमेल आईडी लॉगिन की हुई है, जीमेल आईडी लॉगिन करके रखिए, ठीक है। उसके बाद यहां से आप अपना जब भी ओपन करेंगे ये यहां लॉगिन करने के लिए, यहां पर देखिए जैसे ये लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी आ जाएगी और थोड़ी देर में आपको ये लॉगिन करने के लिए यहां पर ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहां पर जैसे एक और तरीका मैं इसमें दिखाता हूं आपको, क्लियर टैक्स,
लॉगिन। आप मान लीजिए इनकम टैक्स से लॉगिन नहीं करना चाहते, टीडीएस से लॉगिन नहीं करना चाहते, जीएसटी से लॉगिन नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल क्लियर टैक्स लॉगिन लिखिए और एंटर मारिए। जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहां लिखा आएगा क्लियर टैक्स लॉट इन, तो यहां क्लियर टैक्स पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आपने क्लियर टैक्स पर क्लिक किया तो क्रिएट अकाउंट का तो आपको मालूम है कि मैंने अभी आपको जैसा कि बताया क्रिएट कैसे करना है, और उसके बाद आप यहां पर लॉगिन करके क्लिक करिए लॉगिन पर। यहां पर तो लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे फाइल आईटीआर, ठीक है, नीचे लॉगिन लिखा है। आईटीआर के लिए आपको यहीं से इस पर लॉगिन पर क्लिक कीजिए, आप आईटीआर के लिए आगे फर्दर आपके आगे पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन करने का। फिर उसके बाद ये जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, यहां लॉगिन कर लीजिए। सॉरी, इसमें जीएसटी है, टैक्स क्लाउड है, टीडीएस है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इस वाले ऑप्शन में क्या क्या चीजें मिलेगी और इस वाले ऑप्शन में क्या क्या चीजें मिलेगी। अब ये टैक्स एक्सपर्ट, जैसे इसमें जीएसटी मिलेगा, टैक्स क्लाउड मिलेगा, टीडीएस मिलेगा, और इस वाले ऑप्शन के अंदर फॉर योर बिजनेस, इसमें आपको जीएसटी का ऑप्शन, टैक्स क्लाउड का ऑप्शन, टीडीएस का ऑप्शन, ई इनवॉइस का ऑप्शन। तो मैं आपको कहता हूं कि आप ना लास्ट वाले पे क्लिक कीजिए, इसमें आप एक तो जीएसटी लॉगिन, टैक्स क्लाउड लॉगिन, टैक्स क्लाउड मीन्स आईटीआर जो यहां पर आया हुआ है, उसके बाद टीडीएस, ये भी आपको लॉगिन करने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक ही पेज पर आप तीनों लॉगिन कर सकते हो, मतलब किसी से भी ओपन करोगे इस वाले ऑप्शन से, यहां देखिए, तो आपको सारे के सारे ऑप्शन अंदर मिल जाएंगे। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूं, यहां पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, इसमें ये शो नहीं कर रहा है, दो पर दिखा रहा है, तीसरे पे नहीं दिखा रहा है, चलिए कोई नहीं, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लीजिए लॉगिन पर। तो आगे फिर वही स्क्रीन आ जाती है जैसा कि आपने देखा है, जो मैंने आपको दिखाई थी, जैसा कि यहां पर दिखाई थी, यहां पर दिखाई थी, ठीक है, ये स्क्रीन आ जाती है और उसके बाद आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं अपनी मेल आईडी अगर आपने इसमें अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, नहीं तो यहां पे ऑप्शन दिया होता है गवर्नर में अकाउंट क्रिएट करने का, तो जो भी मेल आईडी है मैं यहां पर डाल लेता हूं, और जो भी पासवर्ड है वो हम इसमें डाल लेंगे। जैसे गलत बता रहा है, ये एक्चुअली उन्होंने लॉक कर दिया है, तो मेरा इसलिए यहां से डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे लॉगिन करना होता है मैं इसी तरह से ऑप्शन डालता हूं यहां पर, जैसे क्लियर टैक्स, मेरा कई बार एक्चुअली गलत डल गया था, तो प्रैक्टिस नहीं थी शायद, तो या मुझे मालूम नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने लॉक हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर टैक्स लॉगिन की बजाय मैं यहां पर क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन लिख देता हूं, तो यहां पर ये स्क्रीन आ जाती है और यहां पहला ऑप्शन क्लियर टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन, ये सॉरी क्लियर टैक्स डॉट इन जीएसटी, इस पर क्लिक करके ना पहले ऑप्शन पे, तो मेरा लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है और जो मेरी मेल आईडी ओपन होती है ऑटोमेटिक यहां फेच कर दिखा देता है, तो मैं इसी में ही इसे लॉगिन कर लेता हूं जो मेरी मेल आईडी ओपन हुई पड़ी है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। और भी है, अगर आपका लॉगिन है तो मैंने इस पर देखिए साइन इन विद गूगल किया, अगर मेरा ऑप्शन नहीं भी आ रहा है ना तो मैं साइन इन विद गूगल पर क्लिक करूंगा ना, तो ही ये मेरी मेल आईडी को फेच कर लेगा जो मेरी मेल आईडी यहां पर ओपन है। और ध्यान रखिए एक से ज्यादा मेल आईडी मत ओपन कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, और जब आप लॉगिन के लिए क्लिक करेंगे तो शायद कंफ्यूज ना भी हो, आपकी अगर तीन चार मेल आईडी ओपन है तो शायद उनमें से एक जो रजिस्टर्ड है वो आपको दिखा देगा, उसमें चारों मेल आईडी दिखा देगा कि आप किस मेल आईडी के थ्रू ओपन करना चाहते हो, तो आप इजिली अपनी मेल आईडी सिलेक्ट कर लेना जो भी रजिस्टर की हुई है आपने, तो ये ओपन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ये यहां शो कर देगा, ये देखिए इसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ऑल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए, और जैसे आप ऑल प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जीएसटी, अगर हमें जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो जीएसटी पर क्लिक कीजिए, टैक्स क्लाउड पर क्लिक करेंगे तो आईटीआर फाइल होगी, और क्लियर टीडीएस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टीडीएस की रिटर्न फाइल होगी, और यहां से आप ई वे बिल भी बना सकते हो, ई इनवॉइसिंग भी यहां से कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसमें एक्चुअली ये सारे ऑप्शन इसलिए दिखा रहा है कि मैंने इसे यहां पर क्या कि सब में रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसलिए मुझे ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप देख लेना जैसे आपको ठीक लगे। तो आज इसमें मतलब के आईटीआर पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आईटीआर पर क्लिक करने से ये जितने भी क्लाइंट्स मेरे यहां पर एड है वो सारे के सारे शो कर रहा है, सारे क्लाइंट्स की डिटेल। तो ये एक प्रोसीजर था कि कैसे क्लियर टैक्स के पोर्टल पर आप लॉग इन करें और कैसे अपनी आईटीआर को फाइल करें, जीएसटी की रिटर्न को फाइल करें, टीडीएस की रिटर्न को फाइल करें। दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।